भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। परंतु लोगों को क्या पता था कि जिस व्यक्ति को वे असामान्य समझ रहे थे, एक दिन वे उन्हीं के गुणगान करेंगे, वे उन्हीं की पूजा करेंगे जिसे वो पागल और मानसिक रोगी समझ रहे थे। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको श्याम बाबा के सबसे परम भक्त भक्त शिरोमणि आलू सिंह जी महाराज के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। आलू सिंह महाराज जी के बारे में पूरी जीवनी उनकी मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग बाबा श्याम के दर्शन करते हो, बाबा श्याम के दर्शन करके आते हो आप लोग, तो आप सभी को ये पता होनी चाहिए, अगर आप बाबा श्याम के प्रेमी हो, अगर आप नए श्याम प्रेमी हो तो भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बाबा श्याम की जो आप तस्वीर लेके अपने घर में आते हो, तो तस्वीर लाने के साथ साथ आपको इनकी तस्वीर भी आपको घर में लगानी जरूरी है। तो वो इनकी तस्वीर है, वो है श्याम बाबा के सबसे बड़े भक्त, सबसे परम भक्त, जो श्याम बाबा को मानते थे और श्याम बाबा की सेवा के लिए 100-100 किलोमीटर दूर चले जाते थे पुष्प लाने के लिए, फूल लाने के लिए। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज के बारे में। आलू सिंह जी महाराज जो थे श्याम बाबा के परम भक्त थे और बाबा श्याम की सेवा में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। तो वो कौन थे और उनकी पूजा, बाबा श्याम की पूजा जब हम करते हैं तो आलू सिंह महाराज जी की तस्वीर उनके साथ क्यों रखा जाता है? आपने जब भी बाबा श्याम की आरती वगैरह देखी होगी, मंदिर की जब भी आरती वगैरह होती है तो देखिएगा बाबा श्याम को आरती करते करते पंडित जी जो है, पुजारी जी जो है, वो पीछे घूम के भी आरती करते हैं। वो आलू सिंह जी महाराज हैं और भक्त शिरोमणि श्री श्याम बहादुर जी की जो तस्वीर होती है उनकी तरफ मुख करके उनको आरती वो लोग दिखाते हैं। तो ये जो बाबा की तस्वीर आप लाते हो, आप नए श्याम प्रेमी हो, अभी भी बहुत सारे ऐसे श्याम प्रेमी हैं जिनके घर में भक्त शिरोमणि आलू सिंह महाराज जी की और भक्त शिरोमणि श्री श्याम बहादुर जी की तस्वीर अभी भी उनके घरों में नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा सिर्फ आलू सिंह जी महाराज की बारे में। देखिए, बाबा श्याम के दरबार में आप जाते हो, बाबा श्याम के दरबार में जाके हाजिरी लगाते हो, बाबा श्याम के समक्ष अपनी दुख के बारे में बताते हो, बाबा श्याम से सारी दिल की बातें करते हैं आप। परंतु क्या है, जैसे भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज थे, उनके जीवन में इतना कष्ट था, इतने कष्ट के बावजूद वो बाबा श्याम के परम भक्त बने रहे और उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, ये बाबा श्याम की कृपा से मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग कृपया करके लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में से आधा अधूरा इस वीडियो को मत देखिएगा। पूर्ण कृपा चाहते हैं, बाबा की पूर्ण कृपा दृष्टि चाहते हैं। तो बाबा श्याम के जो ये सबसे लाडले भक्त थे भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह महाराज के बारे में पूरी कथा जरूर सुनिएगा। आपने श्याम बाबा की कथा तो सुनी हुई है, श्री आलू सिंह महाराज जी की कथा अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो पूरा वीडियो को आप लोग देखिए। बाबा श्याम के संपूर्ण विश्व में असंख्य भक्त हैं। भक्ति के इतिहास में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काल के मार्ग पर अपने चरण चिन्ह छोड़ जाते हैं। ये चिन्ह अमिट होते हैं, ना मिटने वाले होते हैं और भक्ति के संसार में इन्हें अनुकरणीय माना जाता है। बाबा श्याम के भक्तों में ऐसा ही एक नाम है, महाराज आलू सिंह जी। तो आलू सिंह जी के बारे में आज मैं बाबा श्याम की कृपा से थोड़ी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। महाराज आलू सिंह जी का जन्म खाटू श्याम नगरी राजस्थान सीकर जिला में सन 1916 में हुआ था। वह एक राजपूत परिवार में जन्मे थे, मतलब राजपूत परिवार से संबंध रखते थे। आलू सिंह जी के पिता का नाम किशन सिंह था, जो कि बहुत बड़े श्याम प्रेमी बाबा के भक्त थे। वो भी बचपन से ही आलू सिंह जी श्याम बाबा की पूजा ध्यान भक्ति में लीन रहते थे। चूंकि उनके पिताजी भी श्याम बाबा के भक्त थे तो वो अपने पिताजी को जैसे देखते थे वैसे वो भी करते थे। जब आलू सिंह जी युवा हुए यानी जवान हुए तो उनकी शादी माधोपुर के एक राजावत परिवार की कन्या से हुआ।
इस विवाह से आलू सिंह जी को एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम बाबूदान रखा गया। कुछ वर्षों के बाद आलू सिंह जी की धर्म पत्नी का देहांत हो गया। इसके पश्चात आलू सिंह जी ने अपना पूरा समय और पूरा जीवन बाबा श्याम की भक्ति वंदना में अर्पित कर दिया, मतलब बाबा की भक्ति में वो लीन हो गए। वो अंग्रेजों का शासन काल था जब देश और धर्म पर कई अत्याचार हो रहे थे। उस समय आलू सिंह महाराज जी ने लोगों में श्याम बाबा की भक्ति की लहर पैदा की, मतलब उन्होंने श्याम बाबा के बारे में लोगों को बताया, जो आज भक्ति का सागर बन चुकी है। वे बाबा श्याम की धुन में इतने मगन हो चुके थे कि अजमेर, पुष्कर और अन्य स्थानों से पैदल ही विशेष प्रकार के पुष्प लेकर आते थे और बाबा श्याम का सिंगार करते थे। आलू सिंह जी की पूरी दिनचर्या बाबा श्याम जी को ही समर्पित थी। वह अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर फूल पैदल ही दूर दूर से जाकर लाते और बाबा श्याम को चढ़ाते थे, उनका सिंगार करते थे। दिन भर बस बाबा श्याम के नामों का जाप करना, घंटों तक भजनों को गाना और बाबा का स्मरण करना, यही उनका रोज का काम था, उनका रोज का नियम था। मतलब उन्होंने बाबा की सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अब सोचिए 100 किलोमीटर की दूरी पुष्कर से जाकर बाबा श्याम को सजाने के लिए वहां से फूल लेके आते थे। आलू सिंह जी पर श्याम बाबा की इतनी दीवानगी थी कि वे बाबा श्याम का श्रृंगार करने के लिए, पुष्प को लेने के लिए पुष्कर पैदल ही चले जाते थे। पुष्कर पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा शहर है। उनके जीवन में बस एक ही काम रह गया था और वो था बाबा श्याम की सेवा करना और उनकी महिमा का गुणगान करना और जन जन तक उनकी महिमा को लोगों तक पहुंचाना। श्याम बाबा की सेवा और उनकी महिमा को जन जन तक पहुंचाना, यही उनका एक काम रह गया था। आलू सिंह जी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे घंटों तक बाबा श्याम के भजनों को गाते थे, बाबा में लीन हो जाते थे, खुद ही बातें करते रहते थे, पैदल ही चलकर दूसरे शहरों से फूल पुष्प लेकर आते थे और बाबा श्याम का श्रृंगार करते थे। उनके जीवन में बस श्याम सेवा में लगा हुआ था और वे दुनियादारी परिवार से भी कोई मतलब नहीं रखते थे, पर ये सब भाव था सिर्फ अपने श्याम समर्पण का। दुनिया आज समझने लग गई कि यह पागलपन नहीं, श्याम दीवानगी है। वे कई घंटों तक ध्यान और भक्ति में लीन रहते थे, बाबा श्याम का ही ध्यान करते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। वे श्रद्धा के शिखर तक पहुंच चुके थे। ऐसे में कई लोगों को लगा था कि आलू सिंह जी का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। जब वो घंटों तक इस तरह से रहते थे तो लोग उन्हें पागल समझने लग गए थे। देश दुनिया समाज की बातों से बेखबर और बंधनों से मुक्त आलू सिंह जी का अगाध, मतलब इतनी श्रद्धा थी, इतनी भक्ति थी कि कोई जन सामान्य समझ ही नहीं पाता था कि 100 लोग उन्हें मानसिक रोगी समझने लग गए थे। उन्हें कई लोग तो पागल के नाम से संबोधित भी करते थे, परंतु लोगों को क्या पता था कि जिस व्यक्ति को वे असामान्य समझ रहे थे, एक दिन वे उन्हीं के गुणगान करेंगे, वे उन्हीं की पूजा करेंगे जिसे वो पागल और मानसिक रोगी समझ रहे थे। एक रात आलू सिंह जी के बड़े भाई नत्थू सिंह को एक स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं खाटू श्याम जी ने उन्हें आदेश दिया कि वो आलू सिंह जी को लेकर रेवाड़ी चले जाए। रेवाड़ी में श्याम बहादुर सिंह से उन्हें जाकर मिलवाए। अब नत्थू सिंह ने वैसा ही किया। नत्थू सिंह आलू सिंह महाराज जी के सबसे बड़े भाई थे। श्याम बहादुर सिंह जी ने आलू सिंह जी को देखते ही समझ गए कि वो श्याम भक्ति रस में सरोवर है, मतलब जिस तरह से वो हरकतें कर रहे थे आलू सिंह जी महाराज। श्याम बहादुर सिंह जी ने आलू सिंह से अति प्रसन्न हुए और उनको अपने गले से लगा लिया और भक्त शिरोमणि होने का आशीर्वाद दिया। श्री श्याम बहादुर जी ही बाबा के महान भक्त थे। उन्होंने आलू सिंह जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि बाबा श्याम की कृपा से आप बाबा श्याम के सबसे बड़े भक्त हैं और अब भक्तों के कष्टों को वो दूर करेंगे, उसे दुनिया गुरु के रूप में पूजेगी,
श्याम बहादुर जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि आज के बाद तुम भी श्याम भक्तों में गुरु के रूप में कहलाओगे, मतलब गुरुवर कहलाओगे। श्याम बहादुर जी ने उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ बताया और उनपे श्याम रंग होने की बात कही। देखिए, जो भी श्याम के रंग में रंगता है वो पागल ही हो जाता है एक तरह से। इसके पश्चात आलू सिंह जी ने देश के कोने कोने में बाबा श्याम की ज्योत जलाई, बाबा श्याम के गुणगान किए और श्याम प्रभु का संदेश का लगातार प्रचार किया। वे श्याम बगीची से पुष्प आदि लाते और अपने हाथों से स्वयं श्याम बाबा का सिंगार करते थे। वह कहते थे कि श्याम प्रभु के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से आएगा उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी, बाबा श्याम उसकी बातों को सुनेंगे। आलू सिंह जी उच्च कोटि के साधक थे, उनके शब्दों में बाबा श्याम की शक्ति थी। उनका नाम रामकृष्ण परमहंस जैसे भक्तों में शामिल किया जाता है। आज भी लोग जब बाबा के दर्शन श्याम बहादुर जी और आलू सिंह जी के नाम की चर्चा जरूर करते हैं। इसके बाद अपने बाकी जीवन भर आलू सिंह जी ने देश भर में श्याम बाबा की भक्ति का जो अखंड ज्योति जलाई उसका प्रकाश आज भी फैलता ही जा रहा है। जो लोग भी बाबा श्याम के मंदिर सीकर जाते हैं वो श्री आलू सिंह जी की समाधि के दर्शन करना नहीं भूलते। अगर आप भी बाबा श्याम के दरबार जाते हो तो आलू सिंह महाराज के समाधि पर जरूर जाइए। आलू सिंह जी के वंश के लोग आज भी बाबा श्याम की सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। जो बाबा श्याम का जो आप मंदिर देखते हो उस मंदिर के अंदर चौहान परिवार बाबा श्याम की भक्ति करते हैं, बाबा श्याम का आशीष मिला हुआ है। आलू सिंह जी महाराज जो हैं वो बाबा श्याम के सच्चे भक्त थे। श्याम बगीची में भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज और श्री श्याम बहादुर जी की प्रतिमा वहीं पर बनी हुई है। आप जब भी बाबा श्याम के दरबार जाओ, बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद एक बार श्याम बगीची जरूर जाएं और बाबा श्याम के सबसे परम भक्त शिरोमणि आलू सिंह महाराज जी और श्री श्याम बहादुर जी के दर्शन करना ना भूलें। वहां जाके उनके आगे शीश झुकाएं और उनसे आशीर्वाद जरूर लें। वो आज भी किसी न किसी रूप में बाबा श्याम की सेवा वहीं पर कर रहे हैं। तो अगर आपने इतना काम कर दिया तो आपकी सारी इच्छाएं सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, बाबा श्याम की जो आप तस्वीर लाते हो अपने घर में लगाते हो तो उसके साथ साथ आप भक्त शिरोमणि आलू सिंह महाराज जी और भक्त शिरोमणि श्री श्याम बहादुर जी की तस्वीर को भी साथ लाना ना भूलें। उनकी तस्वीर की भी आप पूजा करें, बाबा श्याम की पूजा करें, साथ में इनकी भी पूजा करें। जिस तरह से वैष्णो माता के दरबार में आप जाते हो, माता वैष्णो के दर्शन करते हो और माता वैष्णो के जो परम भक्त भैरवनाथ जी थे जिनको अंत समय में माता ने वरदान दिया था कि तुम्हारे दर्शन के बिना मेरे दर्शन अधूरे माने जाएंगे, इसी प्रकार से आप बाबा श्याम के जब आप दरबार जाते हो तो बाबा श्याम के तो दर्शन आप करते ही करते हो, साथ में आपको आलू सिंह महाराज जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। तो इतना आप ध्यान में रखें तो साथ में आपको भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह महाराज जी और भक्त शिरोमणि श्री श्याम बहादुर जी के समाधि पे जरूर जाना चाहिए। उनके जो बड़ी मूर्तियां लगी हैं उन पे जरूर माथा टेकें, उन्हें पुष्प अर्पण करें, पुष्प समर्पित करें, उनसे अपने कल्याण के लिए आप याचना करें, उनसे कहें बाबा श्याम तक आपकी सारी बातों को पहुंचाएं, बाबा श्याम तक आपकी जो भी दुख है उनसे कहें तो भक्त शिरोमणि आपको बातें बाबा श्याम तक जरूर पहुंचाएं। एक बार इन बातों को आप अमल जरूर करिएगा। जब आलू सिंह महाराज जी बचपन से ही अपने पिताजी के साथ बाबा श्याम की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गए कि उन्हें बाबा श्याम की भक्ति के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता था, बस वो हर पल बाबा श्याम की भक्ति में लीन रहते थे, अजीब अजीब हरकतें करते थे, कभी जाते थे श्याम कुंड में जाके छलांग लगा देते थे, कोई भक्त आता था उन्हें भी बोलते थे ये दूध की नदी है इसमें छलांग लगा दो,
इस तरह से लोग उन्हें मानसिक रोगी भी समझने लगे। तो देखिए, जो भी बाबा श्याम के भक्त होते हैं, बाबा श्याम की सेवा करते हैं, वो इसी तरह से हो जाते हैं। लोग कुछ भी कहें, आप अपनी सेवा को मत छोड़िए, अपनी सेवा में लगे रहिए। मैं भी बाबा श्याम की सेवा करता हूँ, मैं मंदिर में सेवा नहीं करता हूँ, परंतु बाबा को अपने दिलों से, अपने भाव से, अपनी बातों से सेवा करता हूँ और आप तक बाबा श्याम की सारी बातों को पहुंचाता हूँ, ताकि आपको इन सारी जानकारी के बावजूद, ये सारी जानकारी होने के बाद बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, बाबा श्याम की कृपा बनी रहे और बाबा श्याम की कृपा के पात्र आप हमेशा बने रहे। तो आशा करते हैं आलू सिंह महाराज जी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, संक्षिप्त जानकारी मिली होगी। आगे अगर आपकी कोई भी इस विषय में विचारधारा है या कुछ आप कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भक्त शिरोमणि आलू सिंह महाराज जी की सदा जय हो। भक्त शिरोमणि श्री श्याम बहादुर जी महाराज की सदा जय। जय मेरे श्री।